गाइस आप देख सकते हो ये जो सामान पड़ा है इसके साथ मैं बना रही हूँ बच्चों के कार्ड्स, क्योंकि कल है टीचर डे और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मम्मा आप हमें कार्ड बना के दो, डिज़ाइन करके दो। सो आप देख सकते हो ये प्लेन पेपर था इस तरह का, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा साइडों पे डिज़ाइन दिया इस तरह के, और ये मैं बना रही हूँ उनके चार कार्ड जो कि दो शोना के और दो यूवी के, देख सकते हो आप। ये है मेरे पास कलर्स और ये मेरे पास ग्लू है और ये सीजर है, इसके साथ भी मुझे थोड़ा सा काम है, कटिंग करनी है, डिज़ाइन देना है। और ये दो मार्कर है मेरे पास जो कि इसके साथ मैं टीचर डेज को लेके उनके नेचर्स को कुछ भी लेके लिखूंगी, मेंशन करूंगी कुछ अंदर। सो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ये सामान रखा हुआ है और मैं इनके कार्ड्स बना रही हूँ ये डिज़ाइन का। ये जो देख सकते हो आप, ये देख रहे होंगे आप क्या है, इसको मैं एंड में इस तरह से लगाऊंगी काट के, इस तरह से करके। तो कार्ड जब भी पूरा कंप्लीट कर लूंगी उसके बाद मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ, तो आप मेरे साथ बने रहना। ओके गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं नीरू शर्मा लेके आई हूँ फिर से आपके साथ एक छोटी सी वीडियो। सो गाइस, देखा होगा आपने कि मैं वीडियो में स्टार्टिंग से आपको क्या बता रही हूँ। जी हाँ, और आप सबको पता होगा कि सबके घर पे बच्चों ने तंग करके रखा होगा माँ बाप को, कि स्पेशली माँ के साथ कि मम्मा हमें कार्ड बना के दो, या फिर हमें चॉकलेट लेना है, या फिर हमें बाहर से कुछ लेके दो, क्योंकि कल टीचर डे है बच्चों का। सो गाइज, मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था कि कल हाफ डे हो जाएगा इनको, तो मुझे शोना ने और यूवी ने काफ़ी तंग करके रखा हुआ था कि मम्मा कुछ बाहर चलो कुछ लेके आते हैं मैम के लिए। तो मैंने फिर मैं घर पे बैठी हुई, सो मैंने सोचा कि घर का जो काम है वो ख़त्म करने के बाद मैं घर पे ही कुछ बनाती हूँ। सो गाइज, आप बिलीव करोगे, सच बोल रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब में या गूगल में या कुछ कर मतलब किसी से चिटिंग करके या किसी को देखा होगा तो फिर बनाया होगा, ऐसा नहीं है। खुद ही मेरे माइंड में जैसा जैसा आता रहा तो मैं बनाती रही, तो अभी मैंने बना के कर दिया कंप्लीट। आपको बताती हूँ मेरा कार्ड किस तरह से बना है, और जहाँ तक मेरी सोच है मुझे तो लगता है बहुत ही बढ़िया बना हुआ। क्योंकि एक मिनट आवाज़ को बंद कर, क्योंकि आपको पता है कि दिल से कोई चीज़ बनाओ या फिर मेहनत से कोई चीज़ बनाओ तो वो अच्छी होती है, और बच्चों को तो जितना भी आप बोलेंगे तो उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनको जब तक हम मार्केट जाके बच्चों को मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिले तो ही वो इम्प्रेस होते हैं। बट मैंने सोचा कि बाहर कौन जाए। सो गाइस, मैंने अपने माइंड से जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता रहा मैंने कार्ड बना के रेडी कर दिया। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैं आपको लेके चलती हूँ, बताती हूँ, अपने कार्ड की नज़र लगाती हूँ कि किस तरह से बना हुआ है, और आप भी मुझे बताना कि कैसा बनाया मैंने अपना कार्ड। ठीक है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये मेरे कार्ड की बाहर की जो लुक है वो है, मैंने हर्ट की कटिंग की, उसके ऊपर मैंने हैप्पी टीचर डे लिखा हुआ है, और उसके ऊपर विद मैंने थोड़ा ग्लू डाल के ऊपर से मैंने स्पार्कल डाल दिया। और इसकी जो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से, जो मैंने पेपर की ही मैंने कटिंग करके ऊपर से मैंने कलर किया हुआ है, और देख सकते हो आप रिबन की तरह मैंने, जैसे कि रिबन होता है उसको मैंने पूरा इस तरह से वो किया है। और अंदर से आप देख सकते हो, अंदर से मैंने ये मन चॉकलेट लगा लिया छोटा छोटा 5 रुपीज़ का, ऊपर से मैंने इसको स्टे करने के लिए ऊपर से रिबन लगा लिया छोटा सा सॉरी। और यहाँ पे मैंने टीचर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। थैंक्स यू टीचर फॉर गुडनेस अस इम्प्रेस इन सॉरी इन स्प्रिंग अस दैट मेकिंग अस वट वी आर टूडे। और उसके बाद हैप्पी टीचर डेज फ्रॉम युवराज, ये युवराज का है जो कि अपनी मैम को देगा, और मैंने मैम का नाम नहीं लिखा है बट वो मैं लिखूंगी। ये हो गया फर्स्ट कार्ड और ये हो गया सेकेंड कार्ड, सेम सेम ही बनाया मैंने, देख सकते हो आप। इसमें मैंने कुछ ऐसा वो नहीं किया, मेरे पास ये जो रिबन था ये जो बाहर वाला जो ये थोड़ा कट खत्म हो गया तो मैंने इसको सिंपल ही रखा, बट सिंपल भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने रिबन लगाया बट रिबन खत्म हो गया, तो छोटा ही था मैंने मार्केट से मंगवाया। सो गाइज, इसको मैंने सिंपल बनाया, ये मैंने आपको बता दिया पहले वाला, और ये सिंपल वाला बताती हूँ। इसके ऊपर भी बाहर सेम मैंने वैसे लिखा है हैप्पी टीचर डे, और उसके बाद मैंने सेंटर में मन चॉकलेट लगा लिया है, और यहाँ पे मैंने सेम वैसा ही लिखा है। ठीक है, साइड पे मैंने हर्ट्स बना दिए छोटे छोटे, और ये देख सकते हो आप, इसी तरह से मैंने ये 1 और 2 और ये 3 और ये 4, ये मैंने 4 कार्ड बनाया है।
लग रहा होगा आपको कि मैंने मार्केट से लाया है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से, 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए और इसकी पूरी कटिंग की, पूरा कलर किया, उसके बाद कटिंग से ही मैंने हॉट बनाए और उसको ऊपर से मैंने लगाया, तो बहुत मेहनत की है मैंने। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और सभी अपने बच्चों का मतलब उस बच्चों को हैप्पी रखने के लिए आपने भी अच्छी मेहनत करी होगी। नहीं की होगी तो आपने बच्चों को चॉकलेट या फिर कोई बाहर से मार्केट से उनके लिए कार्ड्स या फिर घर पे बना लो मेरी तरह जैसे मैंने बनाया, तो अच्छा लगेगा आपको। थोड़ी सी मेहनत होती है, ज़्यादा भी नहीं होती, थोड़ी सी होती है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देख सकते हो आप ये छोटा सा मेरा कार्ड जो कि मैंने कल देना बच्चों को टीचर डे पे, और आई होप टीचर भी इम्प्रेस होगी इस कार्ड को लेके। वो तो टीचर के फेस से देखने से पता चल जाएगा कि उनके जो फेस की स्माइलिंग है उनको कैसा लगा। सो गाइज, यही था मेरा आज का टॉपिक कि मैंने बच्चों के लिए बनाया कार्ड, और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर, और ज़रूर इस वीडियो को देखना एंड तक, इसको स्किप मत करना क्योंकि ये बच्चों को लेके वीडियो है। और मिलती हूँ आपके साथ कुछ नई वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।